नमस्कार। आज का हमारा वीडियो ईमेल से संबंधित है, एनआईसी ईमेल से। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक क्वेरी ये आई थी कि किसी को ये कन्फ्यूजन थी कि ईमेल का कहीं ना कहीं से एक्सेस या मिसयूज हुआ है, तो ये कैसे जान सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके ईमेल के अंदर ही ये सुविधा है और हो सकता है कि कई लोगों की उस पर नज़र ना पड़ी हो, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक लिया है मैंने, नाम रखा है चेक आईपीज एंड कंट्रीज फ्रॉम वेयर योर गवर्नमेंट ईमेल इज एक्सेस्ड। तो इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से करेंगे लाइव। मैंने स्क्रीनशॉट एक निकाल के और अपने ईमेल के अंदर से रख लिया है और उसमें से जो क्रिटिकल कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाइड कर दिया, इसलिए मैं अपने ईमेल में लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट कहाँ ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जब हम मेल एक्सेस करते हैं, जब मेल में लॉगिन हो जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ जो मेल वाला टैब है, मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये मेल वाला जो टैब है यहाँ पर आपके इनबॉक्स में मेल दिखाई देते हैं। इसी में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लॉगिन हिस्ट्री रहता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो इसको देख सकते हैं। लॉगिन हिस्ट्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ। पहले यहाँ लिखा हुआ है ऑल प्रोटोकॉल्स वेब IMM POP3 SMTS SMTPS। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल प्रोटोकॉल्स वाला बाय डिफॉल्ट आता है और यही हमको अभी देखना है। एक्चुअली ऑल जनरली, चूंकि पहले ईमेल को लोग अपना कॉन्फ़िगर कर लेते थे जीमेल या अदर, उसमें तो वो IMAP या POP3 वगैरह में मिलेगा उस केस में। जनरली चूंकि अब हम ब्राउजर के थ्रू अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, तो इसी ऑल प्रोटोकॉल्स या वेब में हमें अपनी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे IP एड्रेस हाइड कर दिए हैं जहाँ से एक्सेस हुए मेरी ईमेल्स, और किस लॉगिन डेट एंड टाइम भी हमको मिल जाता है कि किस टाइम पे एक्सेस हुआ है उस पर्टिकुलर IP एड्रेस से। और यहाँ पे प्रोटोकॉल भी बता देगा कि वेब से है या IMAP से है या SMTPS से, इसलिए मैं कह रहा था कि ऑल प्रोटोकॉल्स में रहने देते हैं। और लास्ट में कंट्री का नाम भी बता देगा, जैसे मेरे मेल्स सिर्फ इंडिया से एक्सेस हुए हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इससे तो हमें ये जानकारी तो मिल गई, हमको जनरली पता भी रहता है कि हमारे घर के सिस्टम का और ऑफिस के IP एड्रेस क्या है, उससे बाहर का कुछ है तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु इसमें एक बात ये है कि VPN का अगर किसी ने यूज़ किया है, इवन दो कई बार ऐसा रहता है मोबाइल पे हम VPN का एक्सेस में कई लोग यूज़ में भी करते होंगे, क्योंकि VPN का लोग वो यूज़ वहाँ करते हैं जो ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो इंडिया में परमिटेड नहीं है या रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए लोग VPN का यूज़ करते हैं। तो कई बार जब VPN कनेक्टेड रह जाता है और आप अपना गवर्नमेंट ईमेल खोलेंगे, तो उस केस में ये, क्योंकि वो अदर कंट्री का सर्वर के थ्रू आपको एक्सेस कराता है, इंटरनेट ब्राउजिंग कराता है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी कंट्री यहाँ पे दिखाई देने लगे, रशिया कुछ भी दिखाई देने लगे, कोई दूसरी ऐसी कंट्री दिखाई देने लगे कि आयरलैंड वगैरह, और यहाँ पर IP एड्रेस भी अननोन टाइप का होगा। तो वो केस में आपको एक NIC से ये मैसेज भी आएगा, SMS भी आएगा कि आपका मेल बाहर से एक्सेस किया गया, पर एक्चुअली वो उस केस में क्या होता है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंटेंशनली आपने VPN का यूज़ किया था, तो उस कारण से वो इस तरह का समझ में आता है, जबकि आपने मेल इंडिया से ही एक्सेस किया था और उसको फिर अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, फिर भी मान लीजिए आपने VPN का यूज़ भी नहीं किया है और तब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं से बाहर से एक्सेस हो गया है, तो इसी रिपोर्ट में नीचे इन्होंने दिया, अगर आपको ऐसे कोई डिस्क्रिपेंसी लोकेशन की या ऐसा लगता है, तो ये mailservices@nic.in पर आप मेल कर सकते हैं, अपनी बात यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और एक्चुअली ये लोकेशंस वगैरह क्या है, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एट द टाइम ऑफ ईमेल, जब आप ईमेल एक्सेस कर रहे थे, तो जैसे मान लीजिए आप एयरटेल आइडिया कोई ऐसा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की गई होती है, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है। ओके, तो मे बी फिर वो VPN के थ्रू फिर वो चीज़ वो कंपनी वाले भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो इस कारण से। तो जस्ट क्योंकि किसी ने ये डाउट पूछा था कि कैसे वो जान सकते हैं, क्योंकि उनको डाउट था, इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है। मुझे आशा है शायद ये आपके काम आ सके भविष्य में। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।